किशनगंज सीडीओ सह चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने टेरागंज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में टीका केंद्र का जायजा लिया, साथ ही साथ ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों को कोरोना टीका लगाने के लिए जागरूक किया। बताते चले कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान के साथ साथ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी विधि व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे सीडीओ सह चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने टेरागंज प्रखंड क्षेत्र के झुनकी मुसारा पंचायत एवं हाड़गा पंचायत का दौरा कर ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर टीका लेने के लिए अपील किया। साथ ही साथ कोरोना टीका केंद्र का जायजा लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए चिकित्सा पदाधिकारी देवेंद्र कुमार। टेरागंज प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायतों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर ग्रामीणों को टीकाकरण को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र में 100% कोरोना टीकाकरण को लेकर टेरागंज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा टेरागंज प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायत के अलग अलग विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगा रहे। इसी क्रम टेरागंज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में 496 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके अलावा कोरोना महामारी से बचाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, महिला फैसिलेटर, महिला सुपरवाइजर इत्यादि कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता कर रहे हैं। टेरागंज प्रखंड क्षेत्र के ढबेली पंचायत के लोधावाड़ी बतवा नदी घाट पर पुल नहीं बनने से पंचायत के लोगों को चचरी पुल बनाकर आवागमन करना पड़ता है। बताते चले कि ढबेली पंचायत के लोधावाड़ी गांव में पिछले 10 वर्षों से पुल बना हुआ, लेकिन पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से लोग चचरी पुल बनाकर आवागमन करते हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग किस तरह से चचरी पुल से आवागमन करने में विवश है पंचायत के लोग। हवाकोल पंचायत के खुजुरवाड़ी गांव रतुआ नदी में पुल नहीं बनने से पंचायत के लोगों को आगमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि रतुआ नदी पार होकर प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय के लिए आना जाना होता है, लेकिन बरसात के समय में लोग नाव की सवारी करते हैं। बरसात के बाद लोग चचरी पुल बनाकर आगमन करते हैं, लेकिन चचरी पुल ध्वस्त हो जाने के बाद लोग बाइक नदी से पार करने में विवश है। तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग किस तरह से बाइक से आना जाना करते हैं।